कांग्रेस पार्टी के भ्रष्टाचार के ताबूत में आखिरी कील ठोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर उतर रही है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह जी देश की राजधानी दिल्ली में बड़ी संख्या में लोगों के साथ गिरफ्तारी देंगे। उनके साथ पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्री अनंत कुमार जी, श्री प्रकाश जावड़ेकर जी और दिल्ली के प्रदेश के अध्यक्ष श्री विजय गोयल जी, विजय कुमार मल्होत्रा जी और अन्य वरिष्ठ नेता रहेंगे। लोकसभा में विपक्ष की नेता श्रीमती सुषमा स्वराज जी मध्य प्रदेश में जेल भरो आंदोलन और सत्याग्रह का नेतृत्व करेंगी। राज्यसभा में विपक्ष के नेता श्री अरुण जेटली जी चंडीगढ़ में गिरफ्तारी देंगे और सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व करेंगे। उत्तर प्रदेश में 29 मई को पार्टी के महासचिव श्री अमित शाह जी, मैं स्वयं और वहां के प्रदेश अध्यक्ष श्री वाजपेयी जी रामपुर में गिरफ्तारी देंगे। बिहार में श्री रविशंकर प्रसाद जी और सीपी ठाकुर जी सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व करेंगे। इसके अतिरिक्त देश के अन्य हिस्सों में, वैसे आपको हम लिस्ट भी देंगे, देश के अन्य हिस्सों में प्रमुख नेता जो गिरफ्तारियां और आंदोलन का नेतृत्व करेंगे उसमें छत्तीसगढ़ में जेपी नड्डा जी, गुजरात में श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, लखनऊ में श्री थावरचंद गहलोत और सुश्री उमा भारती जी, कर्नाटक में श्री अनंत कुमार जी और निर्मला सीतारमन जी, आंध्रा में स्मृति ईरानी जी, केरला में राजीव प्रताप रूड़ी जी, पश्चिम बंगाल में मुरलीधर राव जी, तमिलनाडु में मीनाक्षी लेखी जी और वरुण गांधी जी, उड़ीसा में सतपाल मलिक जी, झारखंड में डॉक्टर रमापति जी, पंजाब में प्रभात झा जी, राजस्थान में श्री शहनवाज हुसैन साहब, असम में श्री बलबीर पुंज जी, पंजाब के पटियाला में श्री श्याम जाजू जी, जम्मू में आरती मेहरा जी, गोवा में श्री सुधांशु त्रिवेदी जी और अनुराग ठाकुर जी, हिमाचल में एसएस अहलूवालिया जी, उत्तराखंड में जुएल ओराम जी, ऐसे करते हुए तमाम वरिष्ठ नेता अलग अलग जगहों पर गिरफ्तारियां देंगे और जो सत्याग्रह आंदोलन है उसका नेतृत्व करेंगे।